तो देखिए 2019 के चुनाव में हरियाणा के अलावा गुजरात और राजस्थान, ये दो ऐसे राज्य थे जहां पर बीजेपी ने सारी की सारी सीटें जीती थी। हरियाणा में बीजेपी इस बार इतिहास दोहराने से चूकती नजर आ रही है, लेकिन राजस्थान और गुजरात में इस बार लोगों का मूड क्या कहता है, देखिए इस रिपोर्ट। दस वर्षों में हमारी सरकार की नीतियों की वजह से 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। मैं पक्का मानता हूं पूज्य बापू की आत्मा जहां भी होती होगी हमें आशीर्वाद देती है। चुनावी आहट के बीच अहमदाबाद पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने 10 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाई। कुल मिलाकर 85,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद देश को नए मुकाम पर ले जाने का जिक्र किया। गांवों में सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करने वाली 1 करोड़ से ज्यादा बहने लखपति दीदी बन चुकी हैं और मेरा सपना है तीसरे टर्म में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का। तीसरी बार सत्ता में वापसी के लिए प्रधानमंत्री मोदी आश्वस्त से दिख रहे हैं। ऐसे में सवाल है, क्या गुजरात में फिर सारी सीटें बीजेपी को मिलेंगी या फिर मोदी के किले में राहुल गांधी सेंधमारी करेंगे? हम आपको बताएंगे कि एबीपी न्यूज और सी वोटर के ओपिनियन पोल में लोग क्या कह रहे हैं, मगर उससे पहले जान लीजिए कि मोदी को सत्ताहीन करने के लिए राहुल गांधी शहर शहर घूम रहे हैं। जब वो 4 रोज तक गुजरात में थे तो सरकार पर जमकर प्रहार कर रहे थे। आपके जेब से चोरी हो रही है, किसके जेब से? 90% के जेब से, किसान के जेब से, मजदूर के जेब से, आदिवासी दलित पिछड़े इन लोगों के जेब से। पैसा जाता कहाँ है? वही 5-10% के लोगों की जेब में। और तो भैया अदानी को जमीन मिलती। जब राहुल गांधी शब्द बाणों की बौछार कर रहे थे उसी वक्त एबीपी न्यूज और सी वोटर की टीम ने गुजरात में सर्वे किया। सबसे पहले ओपिनियन पोल की तस्वीर देखिए जरा। ये देखिए आप, 26 की 26 सीटें इस राज्य में भी, गुजरात में भी बीजेपी की तरफ, बीजेपी के खाते में। ये सर्वे इसके मुताबिक क्लीन स्वीप इस राज्य में भी सीटों के लिहाज से बीजेपी करती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस के लिए एक भी सीट यहां पर जाती उसके खाते में नहीं दिख रही है। ये तस्वीर तब है जबकि गुजरात में कांग्रेस गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस गुजरात की 24 सीटों पर लड़ रही है जबकि पहली बार 2 सीटों पर आप चुनावी मैदान में है। हालांकि चुनावी तारीखों के ऐलान से पहले गुजरात में दल बदल हो रहा है। 4 मार्च से लेकर अब तक 4 बड़े कांग्रेसी बीजेपी में आ चुके हैं। गुजरात कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अर्जुन मोढवाडिया और कार्यकारी अध्यक्ष अमरीश ढेर ने पार्टी बदली। जाहिर है इसका असर भी दिख रहा है, लेकिन पड़ोसी राज्य राजस्थान में लोगों का सियासी मूड जानने से पहले जान लीजिए कि प्रधानमंत्री जब पोखरण में थे तब वो 10 साल में भारत की बढ़ती शक्ति की कुछ यूं व्याख्या कर रहे थे। हमारी तोपों, टैंकों, लड़ाकू जहाजों, हेलीकॉप्टर, मिसाइल सिस्टम, ये जो गर्जना आप देख रहे हैं यही तो भारत शक्ति है। जिस राजस्थान में खड़े थे प्रधानमंत्री मोदी, वहां 2019 के चुनाव में सारी सीटें बीजेपी गठबंधन ने जीती थी। 25 में से एक सीट गठबंधन में शामिल हनुमान बेनीवाल ने जीती थी। इस बार लोगों का मूड क्या है ये जानने से पहले जान लीजिए कि इस बार राजस्थान में बीजेपी की सरकार भी है। वसुंधरा के आगे बढ़कर जाति समीकरण को साधा गया है। ब्राह्मण भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाकर, दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को डिप्टी सीएम बनाकर राजपूत और दलित वोट बैंक को साधा गया है। कांग्रेस कह रही है कि अब तक बीजेपी सरकार फेल है राजस्थान में। आज पूरे मुल्क में घूम घूम के गारंटी की बात करते, ये मोदी की गारंटी है और यही शब्द काम लेते थे वो राजस्थान के अंदर भी। ये मोदी की गारंटी है, उसमें गारंटी ये भी थी पेट्रोल डीजल के दाम भी कम करेंगे, समीक्षा करेंगे। चुनाव होते ही क्यों 3 महीने हो गए, अभी तक क्यों नहीं समीक्षा की गई, अभी तक कम क्यों नहीं किए गए दर है? इसका लोकसभा चुनाव पर क्या असर है वो जानिए।
और देखिए 25 की 25 सीटें बीजेपी के खाते में जाती दिखाई दे रही है। क्लीन स्वीप बीजेपी का इस राज्य में भी, राजस्थान में भी, यानी कांग्रेस और बाकियों को निराशा हाथ लगेगी। इस सर्वे के मुताबिक ऐसा संभव है। राजस्थान में भी बीजेपी इतिहास दोहराते हुए दिख रही है, वो भी तब जब बीजेपी के सांसद राहुल कांसवा दल बदलकर कांग्रेस का हाथ थाम चुके। बीजेपी कुनबे में भी कई कांग्रेसियों की आमद हुई है, लेकिन ओपिनियन पोल के मुताबिक इस बार भी समूचा राजस्थान और गुजरात मोदी के पीछे चट्टान की तरह खड़ा दिख रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।